मसूरी देहरादून के पास अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला अधिकारी सोनिका सिंह के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन की पूरी टीम ने पूरे दल बल के साथ पानी वाले बैंड पर एकत्रित हुई और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने बताया है कि अवैध मसूरी विकास प्राधिकरण, वन विभाग, राजस्व और जिला प्रशासन की टीम ने ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की है, जिसमें सूची भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद कई अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आगे भी लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। हाँ, ये जो है आज पानी वाला बैंड से ऊपर और पानी वाला बैंड से नीचे दो टीमें काम कर रही हैं, जिसमें कि हम ऊपर की तरफ मसूरी की तरफ हैं। अभी हमने लगभग जो है 10 से ज़्यादा जो है अतिक्रमणों पर जो हमने चिन्हित थे उन पर कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने स्वयं भी हटाए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया और जिनका विधि विरुद्ध चल रहा है एक तरीके से, प्योरली कब्जा भी है और अन्य भी जो है वो एक्टिविटी दिख रही है, रूम्स बना रखे हैं। देहरादून का जो हमारा रूट है, इस पर विभिन्न प्रकार के जो लोगों ने इलीगल स्ट्रक्चर्स बना दिए, जो आयरन फ्रेम में बनाए गए, इनको वन मंथ पहले MDDA, राजस्व, फॉरेस्ट और PWD चार डिपार्टमेंट से जॉइंटली हमने इसका एक सीमांकन कराया था और प्रॉपर इनकी सुनवाई करने के पश्चात MDDA ने जो सील वाली बिल्डिंग हैं, जो डिमोलिश वाली बिल्डिंग हैं, उनको प्रॉपर बता दिया है कि आपके टूटने हैं।